கொடுத்தாங்க. बालापुर इज्तिमा ग्राउंड पे कल से इज्तिमा शुरू होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट, उसके साथ साथ हमारे स्टेट पुलिस और बाहर से भी कुछ सीएपीएफ के पुलिस है, उनके सहयोग से यहाँ पे भारी बंदोबस्त अरेंजमेंट किया है। 1000 से ज़्यादा लोग ये बंदोबस्त में रहेंगे और शिफ्ट सिस्टम में ये लोग काम करेंगे, 24/7 ये लोग काम करेंगे। आउटर कॉर्डन भी एक स्पेशल पेट्रोलिंग के लिए रहेगा, ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं हमारे ट्रैफिक डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी, इनके नेतृत्व में पार्किंग प्लेसेस पहले से आइडेंटिफाई किए हैं और साइनेजेस वगैरह भी अरेंज किए, बैरिकेडिंग अरेंज किया हुआ है और पूरा डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा के प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद लोगों को यहाँ पर अंदर हम लोग भेजेंगे। और जो स्टॉल्स वगैरह इस बार अच्छे अरेंजमेंट किए, एक जगह पे स्टॉल उन्होंने पक्के फिक्स किए हैं, तो रोड के ऊपर कोई स्टॉल नहीं डालना, उसके लिए भी हम एक टीम अभी लगा रहे। तो ये 3 दिन का जो बंदोबस्त है हमारे पुलिस में, ऑक्टोपस फोर्सेस, सीएपीएफ फोर्सेस, हमारे लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, क्राइम, ये सब मिल के बंदोबस्त करेंगे और हमारे साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट जो है, फायर डिपार्टमेंट है या जीएचएमसी है, यहाँ पे जलपल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, आरटीसी है, आरएनबी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे रेवेन्यू के कलेक्टर साहब है, आरडीओ साहब है, इन सब का कोऑर्डिनेशन से ये बंदोबस्त हम सक्सेसफुल करेंगे। कितने लोग आने का इम्कान है सर? यहाँ पे यहाँ से सिटी से 1 लाख लोग और बाहर से 1.5 लाख लोग, 3 लाख लोग तक आ सकते करके बोल रहे हैं। कंट्रोल रूम करते हैं। ओ बात करते करते